तो बच्चों अब आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपके क्या दे रखा है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। ओके, मतलब दोनों डिजिट में से एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट से थ्री टाइम्स है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। मतलब ये कंडीशन दे रखी है, सो हम किसी एक डिजिट को मानेंगे, जैसे मैंने बताया था, सो हम वंस को मान लेते हैं। लेट द वंस प्लेस डिजिट बी एक्स। आप चाहो तो टेंस भी मान सकते हो, बिकॉज इसका आंसर जो आएगा लास्ट में वो कैसा भी हो सकता है, आप उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या हुआ, लेट द वंस प्लेस डिजिट इज एक्स। ओके, सो टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके, सो अब हमारे पास में ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं, यहीं से बना लेते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस प्लेस डिजिट, इट मींस 3x, 3x प्लस अब वंस प्लेस डिजिट क्या है x, इट मींस ये हमारे पास कितना हुआ 30x प्लस x, इट मींस 31x। ओके, नाउ इंटरचेंज नंबर भी निकालना बहुत ज़रूरी है, तो चलो इंटरचेंज भी देख लेते हैं। इंटरचेंज नंबर दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय वंस प्लेस को टेंस की जगह ले आएंगे तो x प्लस टेंस प्लेस को वंस की जगह तो 3x, इट मींस 10x प्लस 3x इट मींस 13x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जाएंगे, सो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या देखना है, ओरिजिनल और इंटरचेंज नंबर दोनों देखना है। तो ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू, यहां क्या बता रखा है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर ओके एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर प्लस इंटरचेंज नंबर दोनों ऐड होंगे, इंटरचेंज नंबर, बिकॉज रिजल्टिंग नंबर को ऐड करना है ओरिजिनल नंबर में, रिजल्टिंग इंटरचेंज नंबर है और ओरिजिनल नंबर में उसे ऐड करना है, ऐड कर दिया दोनों को, द रिजल्ट इज 88 और यू गेट 88। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना था 31x प्लस 13x इक्वल्स टू 88, 44x इक्वल्स टू 88। अब इसे आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 88 अपॉन 4, इट मींस यस करेक्ट 2, ठीक है। सो x हमारे पास क्या आया 2, सो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या होगा, ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या होगा 31 इंटू 2 इट मींस 62, क्लियर। ये 26 भी हो सकता था, अब आप बोलेंगे सर 26 कैसे, आपका तो 62 आ रहा है। सपोज मैं टेंस प्लेस डिजिट को x मानता और वंस प्लेस को 3x, रीजन क्योंकि इसमें ये नहीं दे रखा कि वंस प्लेस कैसा है या टेंस प्लेस कैसा है, इसमें ये बता रखा है कि वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, मतलब कोई भी एक, ठीक है, फिक्स नहीं है टेंस डिजिट या वंस डिजिट। ओके, सो टेंस डिजिट या वंस डिजिट में से कोई एक फिक्स होता तो हम वही लिखते और वही आपका प्रॉपर सॉल्यूशन होता, बट यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, आपके एज्यूमेशन पर डिपेंड करता है, आपके आंसर शीट में आप चेक कीजिएगा, दोनों में से दोनों ही आंसर आ रहे होंगे 62 एंड 26। ओके, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो ये आपका हुआ फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन।